हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और वाईफाई प्रॉब्लम्स को आप कैसे ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि वाईफाई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे ठीक कर पाएंगे वाईफाई की प्रॉब्लम्स को मोटो एज 40 न्यू फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि वाईफाई प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं मोटो एज 40 न्यू फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन साइन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन हो जाएंगे जिसका आप यूज़ करके अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं एंड सॉल्व भी कर सकते हैं वाईफाई की प्रॉब्लम्स को। सिंपली देख सकते हैं कि इसके लिए सिंपली बस आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही आपको सिस्टम सेटिंग्स पे चले जाना है। तो सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन में वाईफाई की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं एंड वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि सिंपली बस आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना है, फिर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे चले जाना है। तो जब आप रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे जाते हैं तो वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। सिंपली बस पे क्लिक कर देना है, पासवर्ड डाल देना है और उस पर क्लिक करके अपने फ़ोन में इस ऑप्शन के जरिए वाईफाई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को ठीक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को इस तरीके से रीसेट करके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।